हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यूसेट ने अपनी जो टेस्ट यूसेट लेगी उसकी आउटलाइन दे दी है कि आप इन टॉपिक्स की स्टडी करें, इनमें से ही आपकी टेस्ट होगी। देखें, बेसिक तो सबको पता है कि आपको 75 एमसीक्यूज जस्ट रीजनिंग्स के दिए जाएंगे और जिसका टाइम है 100 मिनट्स। तो उन जो 75 एमसीक्यूज होंगे रीजनिंग्स के, उनमें से कौन से टॉपिक्स आएंगे? देखें, अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो उसके 35 एमसीक्यूज हैं और उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा या फर्स्ट सेक्शन जो आएगा वो एनोलॉजी का आएगा। एनोलॉजी में आपके 5 मार्क्स होंगे या 5 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आपके आएंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखें, सिनोनिम्स जस्ट 2 होंगे और एंटोनिम्स 3 होंगे, यानी कि टोटल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के मार्क्स 5 होंगे। उसके बाद कुछ आपको इंग्लिश के पार्ट भी दिए जाएंगे। इंग्लिश में ये होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने कंप्लीट करना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं, और सूटेबल आपने ना चॉइस देनी होगी। तो इसके लिए सेंटेंस कंप्लीटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 होंगे, 15 एमसीक्यूज सेंटेंस कंप्लीट करने के होंगे, यानी कि ये इंग्लिश का पार्ट होगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन। देखिए, कंप्रीहेंशन ये होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, पैसेज आपने रीड करना होता है अच्छे तरीके से। रीड जब आप करेंगे उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक पैसेज होगा, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो 10 क्वेश्चन आप पैसेज पढ़कर आपने आंसर देना होगा, यानी कि फर्स्ट आपने पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। देखें, इसके लिए ना हमने एक सैम्पल पेपर भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वो डाउनलोड करें सैम्पल पेपर, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 40 एमसीक्यूज होंगे, और इसमें जो अर्थमेटिक यानी कि सिंपल कैलकुलेशन वाले या सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और माइनस प्लस यही होते हैं अर्थमेटिक्स में। सिंपल मैथमेटिक्स जो आती है वो होते हैं इसमें आएंगे 12, ठीक है, 12 एमसीक्यूज आपके अर्थमेटिक्स के आएंगे। उसके बाद अलजेब्रा जो है मेन वो आपकी आएगी, जिसके 5 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 5 मार्क्स का अलजेब्रा होगा। इसके बाद जियोमेट्री आपकी आएगी, जियोमेट्री के भी 5 आपको मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 ही एमसीक्यूज होंगे जियोमेट्री के। देखिए, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री है। इसके अलावा इक्वेशंस, ठीक है, हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन के बारे में, तो आपके जो इक्वेशंस होंगी वो भी 4 एमसीक्यूज की होंगी, यानी कि 4 आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इक्वेशंस के होंगे। एज वेल इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपका स्टैटिक्स का भी पार्ट होगा, जिसके 4 एमसीक्यूज होंगे। तो इसके बाद मेंटल मैथमेटिक्स, यानी कि ये भी आपका ना आईक्यू चेक करने के लिए 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स ही होती है लेकिन आईक्यू बेस पे होती है, ठीक है। तो ये आपके 10 होंगे, यानी कि टोटल जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स के होंगे वो आपके 40 एमसीक्यूज होंगे और वर्बल रीजनिंग के आपके 35 होंगे, यानी कि टोटल आपके एमसीक्यूज होंगे 75, और इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा 100 मिनट्स। देखें, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, नंबर आपको दिया गया, आप व्हाट्सअप करें, वहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लासेस को। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको हम कम्प्लीट टीच करेंगे वर्बल रीजनिंग्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, एसे राइटिंग वगैरह। तो एसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो आपका जो एसे का पार्ट होगा, पार्ट 2 जिसको हम बोलेंगे, उसके 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इस 40 मिनट्स में आपने एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है, आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई भी एक आपने टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और उस पर कम्प्लीट ऐसे लिखना होगा। ऐसे आपका मिनिमम 400, मैक्सिमम 500 का होना चाहिए। तो हम अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे आपने 2 पैराग्राफ्स लिखने होंगे। एक होगा आर्ग्यूमेंटिव बेस्ड ऐसे, ठीक है, दूसरा होगा नैरेटिव बेस्ड ऐसे। तो जो आर्ग्यूमेंटिव ऐसे होगा वो 15 मार्क्स का होगा, और नैरेटिव बेस्ड आपका जो ऐसे होगा वो 10 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके 25 होंगे, यानी कि 75 आपके हो गए क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग्स के, और इंग्लिश के आपके होंगे 25 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल हम एमसीक्यूज की बात करें तो वो 100 होंगे और टाइम आपको 140 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगेन
अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको कम्प्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन ये पेड क्लासेस होंगे।